नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द ज्ञान कुंभ में, और ये है सामान्य ज्ञान का महाकुंभ। इससे पहले कि सामान्य ज्ञान वाले वीडियो में हम हिमालय की दो श्रेणियों यानी कि ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के बारे में गहन अध्ययन कर चुके हैं, आज के इस वीडियो में हम बाकी बची हुई दो श्रेणियों यानी कि लघु हिमालय या मध्य हिमालय और शिवालिक के बारे में गहन अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कक्षा के लिए। अपन आ गए हैं बोर्ड पर, आप भी अपने हाथों में नोटबुक और पेन ले लीजिए और एक एक पॉइंट को नोट करते चलिएगा, क्योंकि जीके है भूलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो अपन शुरुआत करते हैं लघु हिमालय से। लघु हिमालय यानी कि जैसे अपन मध्य हिमालय, अंचल मध्य हिमालय, हिमाचल श्रेणी, इन नामों से भी इसे जाना जाता है, लेकिन असल में ये मध्य हिमालय ही है। इसकी जो लंबाई है वो 80 से 100 किलोमीटर तक है। इसकी एवरेज ऊंचाई 1628 मीटर से 3000 मीटर तक है, और इसकी सर्वाधिक ऊंचाई जो मिली है वो है 4500 मीटर। अच्छा, ये महान हिमालय से दक्षिण की ओर है और शिवालिक से उत्तर की ओर है। महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में जो घाटियां पाई जाती हैं उनको बोला जाता है कश्मीर की घाटी और काठमांडू की घाटी, और मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में जो घाटियां पाई जाती हैं उनको दून कहा जाता है। जैसे देहरादून, मैंने पहले ही बताया था दून इनका मतलब होता है द्वार, तो इन्हें हरिद्वार, ये यहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी प्रमुख पर्वत श्रेणियों की। तो इसमें पाई जाने वाली प्रमुख पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी है? पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी, महाभारत और नागटीबा, ये इसमें पाई जाती हैं। अब ये कहां कहां पाई जाती हैं इस पे भी नजर डालते हैं। तो पीर पंजाल कश्मीर में पाई जाती है, धौलाधार हिमाचल प्रदेश, मसूरी उत्तराखंड, और महाभारत और नागटीबा ये दोनों नेपाल में पाई जाती है। तो ये है तो है इसकी प्रमुख पर्वत श्रेणियां। अब अपन आगे बढ़ते हैं। इन सब के अलावा एक और जीके का बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो है उत्तराखंड की चार प्रमुख पर्वत चोटियां जिनके नाम है नंदा, त्रिशूल, बंदरपुच और कॉमेट। इनके नाम याद रखना जरूरी है। ये कहां पाई जाती हैं? उत्तराखंड में पाई जाती हैं। और जो अपने फेमस टूरिस्ट प्लेस है जैसे कि शिमला, कुल्लू मनाली, दार्जिलिंग, ये सब भी इसी लघु हिमालय या मध्य हिमालय का ही हिस्सा है। तो अब अपन बढ़ते हैं शिवालिक की तरफ। तो अब बारी है शिवालिक की। तो हिमालय की सबसे बाह्यतम, निम्नतम और तरुणतम श्रेणी को शिवालिक कहते हैं। ज्यादा कठिन हिंदी हो गई हो तो एक एक करके समझाते हैं। बाह्यतम यानी कि सबसे बाहरी, सबसे अधिक दक्षिण की ओर पाई जाने वाली जो श्रेणी है वह है शिवालिक, और निम्नतम का मतलब ऊंचाई में सबसे कम। शिवालिक पर्वत श्रेणी की औसत ऊंचाई 850 मीटर से 1200 मीटर तक है, जो कि हिमालय की सबसे कम ऊंचाई है। अब इसके बाद तरुणतम यानी कि सबसे नई, शिवालिक श्रेणी का निर्माण ही सबसे आखिरी में हिमालय में हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद इसका जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि अरुणाचल प्रदेश की चार प्रमुख पहाड़ियों के नाम हमें याद रखें। तो चार पहाड़ियां कौन सी हैं? चार पहाड़ियां हैं, सबसे पहली है डफला, दूसरी है मीजो, तीसरी है अबोर और चौथी है मिशमी। इन चार पहाड़ियों के नाम आपको महत्वपूर्ण तरीके से याद रखने हैं। तो ये तो थी शिवालिक श्रेणी। अब अपन हिमालय की सारी श्रेणियों को एक एक करके भौगोलिक स्वरूप में एक बार समझ लेते हैं, ताकि इनमें कोई कंफ्यूजन ना रहे, इन्हें याद रखने में आसानी हो कि कौन सी श्रेणी किस जगह पे कैसे पाई जाती है। ठीक है, तो चलिए एक बार इनको अपन भौगोलिक स्थिति पर और समझ लेते हैं कि कैसे ये स्थित है। तो ये भारत का वो हिस्सा है, ये एक्यूरेट मैप जैसा नहीं बना है, मैं भी कह रहा हूं ये एक्यूरेट मैप जैसा नहीं बना है। ये अपन वो हिस्सा मान लो भारत कैसा जहां पे हिमालय पाया जाता है। तो कैसे वो व्यवस्थित है एक बार अपन समझ लेते हैं। ये वो हिस्सा है जहां पर ट्रांस हिमालय या परा हिमालय पाया जाता है। ठीक है, यह लगभग यहां तक होता है। ठीक, फिर इसके बाद यहां से शुरू होता है वृहद हिमालय का हिस्सा। ये वृहद हिमालय की श्रेणी वाला इलाका है। इसके जस्ट दक्षिण साइड में ये है अपना लघु हिमालय वाला हिस्सा, और इसके और दक्षिण में है शिवालिक वाला हिस्सा। ठीक, और हाँ, शिवालिक के जो निचले हिस्से हैं, नीचे की जो घाटी है उनको तराई भी कहा जाता है, इसको याद रखें। इसके बाद अब आप समझ गए होंगे कि सबसे उत्तर में परा हिमालय या ट्रांस हिमालय,
फिर उसके बाद बृहद हिमालय, महान हिमालय हिमाद्री, और इसके बाद अपना मध्य हिमालय, फिर उसके बाद शिवालिक। इस तरह से हिमालय भारत के मैप पर स्थित है। ठीक है, तो ये था हमारा महान हिमालय। महान हिमालय में एक श्रेणी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे हिमालय की बात कर रहा हूँ और मैं उसको महान नाम दे रहा हूँ। तो ये था हमारा हिमालय, जिसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में अपन ने अच्छे से जानकारी ले ली और उसकी सारी श्रेणियों के बारे में हमने पढ़ा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल द ज्ञान गुरु को। और हाँ, यदि आपके पास इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी फैक्ट है तो हमसे जरूर शेयर करें, हमें कमेंट करके उस फैक्ट के बारे में जरूर बताएं, और इस वीडियो से संबंधित कोई भी शिकायत हो तो भी हमें कमेंट करें। धन्यवाद।